हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्षिश में। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है अटैक ऑफ 50 फुट वुमेन। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें नैन्सी को कार में जाते हुए देखते हैं। वो अपने निकम्मे पति को ढूंढ रही थी। नैन्सी अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए वो साइकाट्रिस्ट के पास आती रहती है। वो बोलती है उसकी शादी हैरी से हुई है जो उसके पिता की कंपनी में काम करता था, लेकिन उससे सिर्फ नैन्सी के पैसों से मतलब है। वो उसके घर पर जाके आवाज़ लगाती है पर वो बाहर नहीं निकलता। नैन्सी वापस चली जाती है। हैरी का अफेयर हनी पार्कर से चल रहा होता है। दूसरी तरफ नैन्सी गुस्से में कार चला रही होती है, लेकिन उसी वक्त उसे कुछ दिखाई देता है। वो एक UFO था। नैन्सी कार स्टार्ट करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसी वक्त UFO से लेजर निकल कर नैन्सी पर पड़ती है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और नैन्सी वहां से भाग जाती है और वापस हैरी के पास आती है और हैरी को बुलाने लगती है। उसी वक्त वहां पे पुलिस भी आ जाती है। नैन्सी बताती है कि मैंने एक UFO देखा है और उसे पर लेजर डाली, लेकिन कोई उसी बात का यकीन नहीं कर रहा था। पुलिस जगह को देखने के लिए नैन्सी को उस जगह ले जाती है। एक लेडी पुलिस हैरी को बताती है कि आपकी वाइफ को UFO देखी है। हैरी को इसमें अपना फ़ायदा दिखता है। वो कहता है कि इसमें मुझे पैसे मिल सकते हैं। नैन्सी पुलिस को वो जगह दिखा रही थी, तभी यहाँ पे उसका पिता आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं देखा और न ही इसके बारे में किसी को कुछ बताओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो। इसके बाद घर पर हैरी भी आ जाता है। नैन्सी कहती है मैंने एक UFO देखा। हैरी उस पर यकीन कर लेता है। मॉर्निंग में नैन्सी साइकाट्रिस्ट के पास जाती है और उसे मिलती है और बताती है कि मैंने कल रात UFO देखा। नैन्सी कहती है क्या आपको मुझ पर यकीन है? वो कहती है हाँ। उसके बाद नैन्सी हैरी को कहती है कि मैं मुझे वहाँ पर जाते के कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि सब लोग मुझ पर यकीन कर सकें। फिर ये दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ नैन्सी को UFO देखी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे फिर से UFO आ जाता है। नैन्सी बहुत खुश हो जाती है और हैरी से कहती है देखो ये सच है, किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया था। उसके बाद नैन्सी उसके नीचे चली जाती है और वो UFO नैन्सी को पकड़ लेती है और नैन्सी को अंदर खींच कर ले जाती है। के बाद हनी को छत से कुछ आवाज़ आने लगती है और वो ऊपर चेक करने जाती है, पर वहाँ उसे नैन्सी मिलती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? नैन्सी आसमान की तरफ इशारा करती है और वो नीचे गिर जाती है। साइकाट्रिस्ट कहती है कि वो ठीक है, उसे बस आराम की ज़रूरत है। नैन्सी के पिता नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर आए। इस पर हैरी उनसे लड़ने लगता है, तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। हैरी उसकी माँ के बारे में कमेंट करता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं और नैन्सी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो देखती है कि उसका साइज बढ़ने लगता है और वो बढ़ती ही जाती है और बढ़ते बढ़ते वो छत में घुस जाती है। मॉर्निंग में हैरी एक और डॉक्टर लेकर आ जाता है नैन्सी को दिखाने के लिए और नैन्सी को देखकर वो डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। साइकाइट्रिस्ट कहती है कि ये नॉर्मल इंसान है जैसे ही हम हैं। डॉक्टर नैन्सी को साथ ले जाने के लिए कहता है, नैन्सी मना कर देती है। रात में नैन्सी एक स्विमिंग पूल में नहा रही थी और वहाँ हैरी आ जाता है। कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है पर मुझे अच्छा लग रहा है। हैरी नैन्सी को गुड नाइट कहती है। इसके बाद मॉर्निंग में साइकाइट्रिस्ट नैन्सी को मिलने आती है और तभी वहाँ पे हैरी डॉक्टर बड़ा सा इंजेक्शन लेके आ जाता है और कहता है कि इसमें थोड़ी सी नींद की दवाई है जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मेरे पास तुम्हारे पति और पिता की परमिशन है। तभी नैन्सी कहती है और मेरी परमिशन क्या क्या? और वो इंजेक्शन ले लेती है और कहती है इसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, पर साइकाइट्रिस्ट उसे रोक देती है। फिर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में हैरी डिनर के लिए आता है और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। नैन्सी को ये बहुत रोमांटिक लगता है। वो हैरी से कहती है तुम्हें पता है लास्ट टाइम हमने डिनर कब किया था? नैन्सी कहती है जब से मैं ऐसी हुई हम बहुत करीब आ गए हैं, हमें बात करनी चाहिए। तुमने कभी गलीवर ट्रेवल्स के बारे में सुना है? मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है, मुझे सब कुछ खिलौने जैसे लग रहा है। अब हम साथ रहेंगे और बहुत मजे करेंगे। हैरी कहता है तुम पागल हो क्या? तुम बीमार हो, अननेचुरल हो। इस बात पर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रक को उठाकर फेंक देती है। हैरी कहता है तुम एक बड़ा सा मजाक हो। नैन्सी कहती है मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगी, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। अब हैरी नैन्सी को छोड़कर हनी के पास चला जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी के पिता भी अपने प्रोजेक्ट के लिए बिजी थे, इन दोनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद नैन्सी को फिर से होश आ जाता है और वो हैरी को ढूंढने के लिए शहर की तरफ आ जाती है और पूछती है कि मेरा पति किधर है। सब लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैन्सी और
लेकिन नैन्सी और सहन नहीं कर सकती थी। वो हैरी को ढूंढने लगती है, लेकिन अब सब लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। नैन्सी कुछ घर में लगती है। उसके पिता को भी बात पता चल गई थी कि नैन्सी शहर में आ चुकी है, और नैन्सी हैरी को ढूंढते हुए उसके नज़दीक पहुंच जाती है और उसे वो मिल भी जाता है। हनी उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन नैन्सी खिलौने की तरह उसे फेंक देती है। इसी बीच हैरी भागने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी उसे कार से साथ उठा लेती है और उसे बाहर निकाल कर देती है। नैन्सी वहां से भागने लगती है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी वाले हेलीकॉप्टर लेके आ गए थे। ये लोग भी नैन्सी को देखकर हैरान हो चुके थे। नैन्सी हैरी को लेकर बाहर आ जाती है, फिर उसके सामने बिजली के तार आ जाते हैं और वो रुक जाती है। तभी पुलिस और उसके पिता वहाँ पे आ जाते हैं। नैन्सी के पिता उसे संभालने के बजाय कहता है कि इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो। नैन्सी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसी बात करने की? तुम्हें कभी मेरी फिक्र नहीं थी, तुम्हें हमेशा पैसे की पड़ी थी। नैन्सी के पिता पुलिस वालों से कहते हैं कि तुम्हारे पास गन है, कुछ करो। पॉइंट पुलिस ऑफिसर, जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई फायर नहीं करेगा। इनको लगता है कि इन लोगों को लगता है कि उसने फायर कह दिया, और ये नैन्सी पर फायर कर देते हैं, और नैन्सी बिजली के तारों पर गिर जाती है और उसे करंट लगता है। शॉक की वजह से नैन्सी बेहोश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पे यूएफओ आ जाती है और वो नैन्सी को अपने पति को साथ ले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि नैन्सी के साथ हैरी भी यूएफओ में पहुँच चुका था, जिसे कैद करके रखा हुआ था। और बाकी दो कैदी कहते हैं कि आदमियों का जमाना गया, अब औरतें डोमिनेट करेगी। तब हमें नैन्सी को देखते हैं और वो कहते हैं कि अब इसकी आदत डाल दो। नैन्सी कहते हैं कि ना सिर्फ मैं चेंज हुई बल्कि पूरा यूनिवर्स चेंज हो गया है, ये नया यूनिवर्स है। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे, वरना बार बार कोशिश करते रहूँ। इसके बाद नैन्सी वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि ये सब यूएफओ में है, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।